हाय गाइस, आज मेरी मम्मी बनाने जा रही है एक हलवा। तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा ये कैसा है। ये देखिए हलवा कैसे बनता है। मुझे मेरी मम्मी के हाथ का हलवा बहुत ही पसंद है, बादाम का हलवा। ये देखिए यहाँ पे हो रही है कुकिंग की सारी रेसिपी। पहले कढ़ाई गरम होने दिए हैं, तो फिर पहले कढ़ाई गरम होने दिए हैं हम लोग। और तो और आप लोग वीडियो देखते हैं मगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसी लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। थोड़ी देर हम इसे इसी तरह गरम होने रखेंगे। जब ये गरम हो जाए तो इलायची डालेंगे, पहले घी डालेंगे। ये देखिए घी में कोई भी कमी नहीं करनी है, हमें 2 चम्मच डाल देना है, 2 या 3। अब हम लोग इलायची डाल देंगे, 2-3 इलायची। अब हमें मेरी मम्मी इसमें डाल रही है। जब ये गरम हो जाए तब इसमें पीसा हुआ बादाम डाल देंगे और यहाँ पे 2-3 इलायची डाल देते हैं हम लोग। अब ये गरम हो चुका है, अब आगे देखते हैं। अब मेरी मम्मी इसमें पीसा हुआ बादाम डाल रही है। तो फिर ये देखिए अब चल गया है पीसा हुआ बादाम। अब इसको धीमी आंच में भूनना है, तभी जाके हमारा तैयार होगा हलवा वाला रेसिपी बादाम का हलवा, जो भी है मुँह से निकल के छोड़ दें। भुजा जाए और जब ये अच्छी तरह से भुजा जाए तो इसमें फिर से घी डाल दें, इसमें चीनी डाल दें और इसमें चीनी डाल दें। जैसे यहाँ पर ये भुजा रहा है तो मैं इसे दिखाई दे कभी बनाते हैं फर्स्ट करते हैं। हाय मम्मी, आज आप क्या बना रहे हैं? आज मैं बना रही हूँ बादाम का हलवा। वाह, बादाम का हलवा मेरा फेवरेट है, जल्दी से बनाइए। मेरे बेटे को ये सब बहुत पसंद है, घर का बना हुआ रेसिपी। वैसे तो ये ठीक है, लग रहा है मुझे ये थोड़ा थोड़ा भुना गया। गाइस यहाँ पे ये थोड़ा थोड़ा भुना गया है, चलिए अब देखते हैं। मम्मी इसमें डालेगी दूध। अब मम्मी इसमें डालने वाली है दूध और थोड़ा सा पानी। जब तक यहाँ पे ये हो रहा है तब तक आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। हर गिलास लाना जल्दी। लाल मिलता है बोतल में है ना, लाल। तो ये देखिए मेरा हलवा बन रहा है। अब ये लग रहा है मुझे कि भुना गया, ये भुजा गया है। मैं इसमें और अब मेरी मम्मी इसमें दूध डालेगी। दूध कम है तो थोड़ा सा पानी डालेंगे, और अगर दूध थोड़ा कम है आपके पास तो फिर पानी भी आप लोग डाल सकते हैं, इससे भी हमारी रेसिपी अच्छी बनेगी।
आप भी इसे एक दिन ट्राई करिएगा और कमेंट से बताइएगा ये कैसा बना है। इसमें मुझे थोड़ा सा घी कम लग रहा है, ठीक है, थोड़ा सा इसमें घी कम है इसलिए हम लोग थोड़ा घी भी डाल देते हैं और इसमें चीनी डाल देते हैं। मम्मी हलवा बन गया? अभी नहीं। कब बनेगा? बस बन गया, बस छोटे थोड़ी देर में बनने ही वाला है। 5 मिनट बस, बस 5 मिनट। मुझसे तो आप सवरी नहीं होता। अब इसमें मेरी मम्मी थोड़ा सा चीनी डाल देगी स्वाद अनुसार। हाँ मगर चीनी डाले कोई भी स्वाद आरोप नहीं करना चाहिए। यहाँ पे अब हमारा चीनी आ चुका है, सब हटा देते। ये देखिए चीनी डाले में कोई भी कंजूसी नहीं। अब मेरी मम्मी यहाँ पर इसको भूंजेगी जब तक ये सूख ना जाए, फिर उसके बाद हमारी मीठी मीठी टेस्टी टेस्टी हलवा तैयार। जब तक ये भुना रहा है तब तक मेरी मम्मी यहाँ पे फिर से इलायची को पीस लेती है। उसके बाद थोड़ा सा और डालना है, दो तीन इलायची मेरी मम्मी पीस रही है। तब तक मैं मम्मी थोड़ी हेल्प कर दे रहा हूँ। यहाँ ऊपर से थोड़ा थोड़ा इलायची भी डाल देते हैं। अब जब तक इसको मिलाते रहेंगे जब तक ये सूख ना जाए। बोलिए कपड़ों को जब घोटेंगे फिर स्टार्ट करेंगे वैसा ही होता है। ये देखिए आपको आधे घंटे तक लगभग इसमें भूंजना है, फिर उसके बाद यहाँ से आप ये देखिए ये आपका भूंजने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। जब तक ये घी ना छोड़ दे, जब तक ये घी ना छोड़ दे। ये देखिए किसने घी भी छोड़ दिया। जब तक ये घी ना छोड़े तब तक आप इसे कुछ ना करिए, तब तक आप इसे करते रहिए। अब इसको एक थाली में रखेंगे। तो गाइस यहाँ ये देखिए हमारा ये बन चुका है बादाम का हलवा। और इसे हमें थोड़ा तिरछा करना होगा ताकि जितना भी घी हो वो सब एक बगल में आ जाए। तो फिर आप लोग इतना देख ही लिए हैं तो फिर थोड़ा सा लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा क्योंकि अभी हमारा चैनल बहुत ही डाउन चल रहा है।
इसीलिए बाय, अब मिलते अगले नेक्स्ट वीडियो में।